देश भर में कोरोना की दहशत बरकरार है, वहीं बिहार में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। फिलहाल ताजा मामला समस्तीपुर से सामने आया है, जिसको लेकर लोगों में फिलहाल भय का माहौल है। बिहार में कोविड 19 का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। इस वक्त एक बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी की गई है। विभाग की ओर से एक नए केस की पुष्टि की गई है। इसके साथ ही बिहार में ये आंकड़ा 526 हो गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से सोमवार को तीसरी अपडेट जारी की गई, जिसके मुताबिक समस्तीपुर में कोरोना का एक मरीज मिला है। समस्तीपुर अब तक कोरोना के संक्रमण से अछूता था, लेकिन जिले के विद्यापति इलाके से 25 साल के एक युवक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, जिससे लोगों में फिलहाल भय का माहौल है। जिला प्रशासन की टीम में भी हड़कंप मच गया है। लॉकडाउन 2 में कोरोना पर नकेल कसी जा सकी है, लेकिन इसके बावजूद भी बिहार में आंकड़ा रविवार को 500 पार पहुंच गया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार बिहार के बेगूसराय जिले से 2 नए कोरोना मरीजों के मिलने की पुष्टि हुई है। बेगूसराय जिले से 30 साल और 20 साल के 2 युवक कोरोना पॉजिटिव पाए गए। प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि मधुबनी जिले के झंझारपुर से 5 और पश्चिमी चंपारण जिले के योगापट्टी इलाके में एक मरीज मिला है। योगापट्टी के सनाचारी गांव से 19 साल का एक युवक कोरोना संक्रमित पाया गया। वहीं आज बालकृष्णापुर मरवा पंचायत विद्यापति नगर प्रखंड के 25 वर्षीय युवक का कोविड 19 का रिजल्ट पॉजिटिव आया। फिलहाल हालांकि उनका स्वास्थ्य सामान्य है। ये 26 अप्रैल 2020 को ट्रक से समस्तीपुर आए थे। इनको क्वारंटाइन कैंप में रखा गया था और जांच के लिए सैंपल लिया गया था। इनका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का कार्य प्रारंभ है। 3 किलोमीटर के एरिया को सैनिटाइज और सील करने का कार्य भी जारी है। 25 वर्षीय पुरुष विद्यापति नगर के कोरोना से पॉजिटिव पाए गए हैं। 26 अप्रैल को दिल्ली से ट्रक के माध्यम से विद्यापति आए थे और आते के साथ उन्हें क्वारंटीन कैंप पंचायत स्तरीय में रखा गया था और अगले ही दिन उन्हें ANM में शिफ्ट कर दिया गया था, जहां उनका सैंपल लिया गया है और वहां पर वो पॉजिटिव पाए गए हैं। तो अभी वो हमारे क्वारंटीन कैंप में है, वहां से उन्हें आइसोलेशन सेंटर शिफ्ट किया जा रहा है और उनसे संपर्क में आए हुए व्यक्तियों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। साथ ही उनके गांव और उसके 3 किलोमीटर के रेडियस को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है, उसे कंटेनमेंट करके सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की जा रही है और वहाँ रह रहे सभी लोगों को होम क्वारंटाइन के लिए प्रिस्क्राइब किया गया है।